नमस्कार, टैलेंटेड इंडिया की बेबाक राय में आप सभी का स्वागत है और सीधे आपके साथ चलते हैं एक और खास अपडेट की ओर। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों के घर में छुपा दंगा फैलाने का साजू सामान देखकर पूरा देश दंग रह गया। इन लोगों की दंगा करने में कितनी मास्टरी है ये भी देश समझ गया। बड़े बड़े पत्थर, लोहे के एंगलों पर बनाई गुलेल, कोक पेप्सी की खाली बोतलों से बनाए गए पेट्रोल बम, प्लास्टिक की पन्नियों से बनाए एसिड बम और हजारों दंगाइयों की भीड़ द्वारा मचाया गया उत्पाद देखकर पूरी दिल्ली आज भी सहमी हुई है। आज ही टुकड़े टुकड़े गैंग के एक सदस्य उमर खालिद का एक वीडियो टीवी पर दिखाया जा रहा है जिसमें वो भीड़ को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमर भीड़ को कह रहे थे कि जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे तब हमें सड़कों पर उतरना होगा और प्रदर्शन करना होंगे। लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिल्ली दंगे के लिए कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को जिम्मेदार मानता है। सवाल ये है कि क्या कपिल मिश्रा के घर से पेट्रोल बम और दंगा फैलाने का सामान बरामद हुआ है? क्या कपिल मिश्रा के घर की छत पर हजारों दंगा इकट्ठा हुए थे? पुलिस पर बंदूक तानने वाला शाहरुख खान क्या कपिल मिश्रा का रिश्तेदार है? लेकिन कुछ लोग अपनी आंखों पर धर्मनिरपेक्षता का ऐसा चश्मा लगा कर रखते हैं जिससे उन्हें अमनतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन तो बेकसूर नजर आते हैं लेकिन कपिल मिश्रा उन्हें सबसे बड़ा दंगाई नजर आता है। अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए कुछ लोग पूरी दिल्ली को बंधक बनाने पर तुले हुए हैं और एक बंदा अगर सामने आकर रास्ता खुलवाने की बात करता है तो सब उसके पीछे ऐसे पड़ गए मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। कपिल मिश्रा के पीछे हाथ धोकर लगने वाले लोग असल में चाहते क्या है, उसकी मंशा क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इससे एक उदाहरण से समझिए। कुछ समय पहले विख्यात गायक सोनू निगम ने सुबह अजान की आवाज से नींद में खलल को लेकर विरोध दर्ज कराया था। सोनू निगम का विरोध सिर्फ अजान को लेकर भी नहीं था, उनका कहना था कि सुबह सुबह यूं बेवजह किसी की नींद खराब नहीं की जानी चाहिए भले वो कोई भी धर्म मजहब वाले हो। लेकिन सोनू निगम को इस बयान पर उन्हें चौतरफा घेर लिया गया। अबू आजमी जैसे नेता खुलेआम ये कहने लगे कि अजान की आवाज पर कोई विरोध नहीं सुना जाएगा। लेकिन क्या सोनू ने कुछ गलत कहा था? आपके किसी कृत्य से पूरे शहर की नींद खराब हो रही है तो इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे अगली बार कोई इनका विरोध करने के लिए खड़ा ना हो पाए। यही सब तरीके कपिल मिश्रा के लिए भी आजमाए जा रहे हैं। मिश्रा ने रास्ते खोलने के लिए आवाज उठाई, बस यही बात एक वर्गों को अखर गई। लेकिन अगर रास्ता जाम करना आपका अधिकार है तो उसे खुलवाने के लिए आवाज उठाने का हक भी आप किसी से छीन नहीं सकते। इस तरह हर जगह रास्ते बंद करने का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए क्योंकि इनका विरोध आज नहीं किया गया तो कल को इनके हौसले बढ़ेंगे और दंगों के लिए इनकी तैयारी आप देख ही चुके हैं। इन्हें देश की सड़कें जाम करने का अधिकार चाहिए लेकिन दूसरों से ये रास्ता खुलवाने की बात करने का अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि देश के लोकतंत्र को इस भीतंत्र के आगे झुकने की बजाय इनके कुचलने पर ध्यान देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से कपिल मिश्रा ने रास्ते को खुलवाने की कोशिश की, जिस तरह से सीएए को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे उस तरह कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम फिर देख लेंगे। लेकिन ये बात एक वर्ग को अखर गई और उन्होंने फिर इस तरह से दिल्ली हिंसा की कि पूरा दिल्ली अभी तक सहमा हुआ है। अभी तक इस दिल्ली दंगे के पीछे कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया गया है लेकिन ताहिर हुसैन कौन है? इस तरह से बम बनाना, पेट्रोल बम बनाना, पूरी भीड़ इकट्ठा करना, क्या दिल्ली हिंसा के पीछे ताहिर हुसैन का हाथ है? इस तरह के अपराधी को, इस तरह के गुंडे को हमारे देश से बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं? ताहिर हुसैन के लिए क्या कहना है आप लोगों का? ताहिर हुसैन ही हमारे देश को जला रहा है, ना कि आगे बढ़ा। इस तरह के गुंडे के हमारे देश में रहना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।